और हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब को क्या उनको भी सुबह सफर करना है, इसलिए भी वो भी जल्दी में थे। तो मैं आपको बता दूं कि शायद जनाब आजम आती बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। अल्लाह इनकी आवाज को सलामत रखे, इनके दादा हुजूर की शायरी को सलामत रखे और आप जैसे मुखलिस सामीन के ज़ौक़े समाज को सलामत रखे, है कि नहीं? आप बिल्कुल बेदारी के साथ बैठे रहे, जिंदगी के साथ बैठे रहे। हमारी मेंबर पर एक बहुत ही खूबसूरत सनातन जनाब अजहर रजा फूलपुरी शरी शाम से अभी तक वो बैठा हुआ है और आप देख रहे हैं बच्ची जो है बहुत तेज से पढ़ने के लिए मचल रही है। तो अगर आप लोग इजाजत दे रहे हैं तो द्वितीय शेर पढ़ने के लिए मैं पहले उसको बुला दूँ, उसके बाद फिर अजहर फूलपुरी होंगे, उस्ताद युसूफ इकबाल गानी शराबादी होंगे और हमारे बहुत ही उसके बाद आपके समातों के हवाले होंगे, उसकी आपकी समातों के हवाले होंगे। नबी की बारगाह में दरूद का तोहफा पेश करें और ये सोच कर पढ़े, मेरा ईमान है ये जरूर होता है, दरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद अला अलैहि वसल्लम। जो नबी के दर पर यारो बाकरीना आ गया, उसके बोल गए अंदर।